हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एसबीआई सीबीओ के एग्जाम का डेट आ चुका है। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा, 21 जनवरी 2024 को आपका टेंटेटिव एग्जाम डेट है। इसी डेट को आपका एग्जाम होगा, तो आप तैयारी तो कर ही रहे होंगे और रीजनिंग, इंग्लिश और साथ ही साथ बैंकिंग आदि लगातार आप पढ़ रहे होंगे। लेकिन उन सब चीजों को करते हुए आपको जो नहीं भूलना है वो ये है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। इसका वेटेज 50 मार्क्स का है, 50 मार्क्स 2 क्वेश्चन, ठीक है। और ये यहाँ पर मार्क्स प्राप्त करना बहुत ही आसान है, तो इस पर से भी आपका फोकस हटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप रिटर्न में स्कोर करेंगे अच्छी बात है, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव में भी अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो ये और आपको लीड दिलाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में क्या अप्रोच रखना है, आज मैं बेसिकली ऐसे राइटिंग पर बात करूंगा, बताऊंगा कि ऐसे आपको कैसे लिखना है और साथ ही साथ क्या कैसे स्ट्रेटजाइज करना है, कैसे इसको सोचना है, क्योंकि आप पढ़ के जाएंगे हो सकता है ऐसे कुछ और आ जाए, तो वैसे कंडीशन में आप कैसे उसके बारे में सोचेंगे, कैसे लिखेंगे। तो कोई भी ऐसे अगर आए, जैसे मान के चलिए बैंकिंग का एग्जाम है, तो अगर मान लीजिए एनपीए पर ऐसे आ गया, तो एनपीए पर ऐसे आ गया तो हमको कैसे लिखना है, तो एनपीए पर ऐसे लिखने या कोई भी टॉपिक पर ऐसे लिखने से पहले 4 से 5 क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचना। जैसे एनपीए पर ऐसे आ गया तो सबसे पहले सोचेंगे कि एनपीए क्या होता है, एनपीए क्या है, ठीक है। फिर इसके टाइप्स पर जाएंगे कि ये कितने प्रकार का होता है। 2 क्वेश्चन हो गया, पहले दिमाग में सोच लिए कि एनपीए क्या है। तो जैसे ही आप सोच लिए कि एनपीए क्या है, ये कितने प्रकार का है, क्या हो गया आपका, इंट्रो हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। जब आप इंट्रोडक्शन को भली प्रकार से लिख देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं इंट्रोडक्शन को, तो फिर इंट्रोडक्शन के बाद आपको मेन पार्ट पे आना है, जहां पे भी डिस्क्राइब करना है। आपने एनपीए के टाइप को लिख दिया, अब प्रेजेंट सिनेरियो इस पे डिस्क्राइब करना है। 2018 के आसपास आपको पता होगा कि बैंकों का एनपीए बहुत ज्यादा हो गया था, 10.5 लाख करोड़ रुपए एनपीए हो गया था बैंकों का, लगभग 11.5% ग्रॉस एनपीए हो गया था। और प्रेजेंट में अगर 23 मार्च का फिगर अगर देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए 3.9% के आसपास पहुंच गया है। तो बहुत ही तेजी से बैंकों ने इस पे काम किया, सरकार ने काम किया इसको कम करने के लिए। तो मेन पार्ट में जो आपका होता है इंट्रोडक्शन में, तो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया एनपीए क्या है, टाइप क्या है। मेन पार्ट में आपको जो है उसके बारे में लिखना है, उसका प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। कुछ बैंकों का अगर उदाहरण बता सकते हैं तो उदाहरण भी बता दीजिए कि पीएनबी का इतना पीएनपीए था, स्टेट बैंक का, एक्सिस बैंक का इतना एनपीए था 2018 में, भी घटकर इतना हो गया। मेन पार्ट ये हो गया। फिर लास्ट में आपको जो है कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन जो देंगे आप, तो कंक्लूजन आपको जो कोई भी ऐसे लिखना है, एक बात आप ध्यान रखेंगे, कोई भी ऐसे लिखेंगे तो आप न्यूट्रल होके लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी के बारे में नेगेटिव नेगेटिव ही सारा लिख दिए या पॉजिटिव पॉजिटिव लिख दिया, ऐसा नहीं, पूरा न्यूट्रल होके लिखना है। और इसके दोनों एस्पेक्ट्स पर आपको बात करनी है, दोनों चीजों पर बात करनी है। तो कंक्लूजन में जो है लिख देंगे कि कंडीशन उस समय 2018 में सही नहीं था, फिर गवर्नमेंट ने फोकस किया, वह आरबीआई ने बहुत सारे बैंकों को पीसीए में डाला ताकि बैंकें जो है और एडवांस ना दे, और एनपीए पर बहुत ज़्यादा काम किया सरकार ने, जो है बैंकों में फ्यूजन किया, इन्फ्यूजन किया, और इन सभी चीज़ों से एनपीए कम हुआ। तो इस तरह से करके आप इसको जो है समेटने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे ही आपको लिखना है। थोड़ा सा यहाँ पर और चीज़ें जो ध्यान देने लायक है वो है कि एरर ना हो ऐसा प्रयास करेंगे, गलत ना लिखेंगे ज़्यादा, क्योंकि आप ऐसे लेटर जो लिखते हैं वो कोई आदमी बैठ के सिस्टम पे चेक नहीं करता, वो भी आपका जो है एक
प्रोग्राम के ही तहत चेक होता है, तो उसको उसी तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो इंट्रोडक्शन देखेगा, आपका कंक्लूजन देखेगा, मेन पार्ट देखेगा आपने कैसे लिखा है। तो इसी तरह से आपको जो है ऐसे राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करना है। अभी जो है एनपीए पर देख लेंगे ऐसे एक, उसके बाद और जो है बैड बैंक्स वगैरह भी बीच में बहुत न्यूज में था, तो उस पर देख लेंगे। एनपीए रिकवरीज आदि पर क्या क्या जो है सरफेसी आईबीसी इन सब पर क्या क्या चीज़ें हैं उसको भी देख लेंगे। G20 करंट में हुआ था उस पर देख लेंगे। अब क्योंकि रिसेंट में अब टूरिज्म पे म्यांमार वाला केस आया, हो सकता है टूरिज्म पर भी देख, हो सकता है कि कुछ पूछ दे। तो ऐसे 4-5 टॉपिक पर, या और ज़्यादा अगर आप तैयार कर सके तो 10 टॉपिक पर कम से कम आपको ऐसे तैयार करके जाना है। स्पीड अगर आपका नॉर्मल स्पीड है, ठीक ठाक आप टाइप कर लेते हैं, तो घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 30 मिनट का समय आपको दिया जाता है ऐसे और लेटर लिखने के लिए, तो एनफ होता है अगर आपका ठीक ठाक स्पीड है। बैंक में इतने दिन से काम कर रहे हैं, स्पीड तो ठीक ठाक होगा ही, फिर भी जो है ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना, थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना। तो आइए अब एक ऐसे मैं आपको एनपीए पर यहाँ लिख के दिखाता हूँ कैसे लिखना है, आइए साथ ही साथ आप भी देखेंगे। अब देखिए एनपीए, जैसे एनपीए पर ऐसे आ गया तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देना है। तो इंट्रो पार्ट किस तरह से लिखना है, एनपीए क्या है, द नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज एनी एसेट ऑफ ए बैंक विच इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी इनकम। ऐसा एसेट बैंक का जो कि कोई इनकम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, उसी को तो एनपीए कहते हैं। नॉन परफॉर्मिंग मतलब जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसको थोड़ा दूसरे शब्दों में भी हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। इन अदर वर्ड्स, लोन्स दैट आर बीइंग गिवन बाय द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हुज इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल अमाउंट रिमेंस ओवरड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज। जब हम इतना इंट्रोडक्शन में लिख दिए तो एनपीए का डिफिनेशन तो इतना से पता चल जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें इतना से काम नहीं चलेगा, इतना जब हम लिख दिए तो इसके बाद अब इसके टाइप्स को लिखेंगे। अब देखिए इसके टाइप्स, टाइप्स ऑफ एनपीए स्टार्ट। अब एनपीए का जब डिफिनेशन लिख दिया था, उसके बाद उसके टाइप्स को देखेंगे। जैसे अब आपको पता है कि एनपीए का 3 टाइप होता है, सब स्टैंडर्ड एसेट और आपका डाउटफुल एसेट्स और लॉस एसेट्स। तो इसमें जो है आपका सबसे पहले सब स्टैंडर्ड एसेट, तो वो एनपीए जो कि 12 मंथ से कम के लिए रहा हो, तो इसको ऐसे लिख देंगे कि एसेट विच आर सब स्टैंडर्ड एसेट का क्या लिखेंगे, एसेट विच हैज रिमेन एनपीए फॉर ए पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ, सब स्टैंडर्ड एसेट। डाउटफुल एसेट, an asset which remained in substandard category for a period more than 12 months is called doubtful asset. और loss asset किसको कहेंगे, recognized as a loss incurred by the bank. Bank ने recognize कर दिया कि यह loss हो गया bank को, और उसके हिसाब से bank provisioning करती है। अब provisioning क्या होता है वो बाद में मैं चर्चा करूँगा, पहले चूंकि ये ऐसे के form में बता रहा हूँ, ये NPA का class नहीं है, ऐसे का class है। तो एनपीए का इंट्रोडक्शन हो गया पहले, फिर टाइप बता दिए, तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब जो है अब हम लोग आएंगे इसके बीच वाले हिस्से में, जिसको कि जहाँ की डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एनपीए बैंकों में इतना क्यों है, साथ ही साथ यह देखेंगे कि इसका 2018-19 में क्या कंडीशन था, अभी क्या कंडीशन है, और इसको कम करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, आरबीआई ने क्या कदम उठाया, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डालना जरूरी है, क्योंकि तभी आपका जो है ये एनपीए का जो ऐसे है वो थोड़ा अच्छा बनेगा। क्योंकि एनपीए का आपने इंट्रोडक्शन तो दे दिया, लेकिन एनपीए का थोड़ा वर्तमान स्थिति और कुछ पिछले 2-4-5 सालों में क्या है उसके बारे में भी बताना जरूरी है। अब इसके जो मिडिल पार्ट है जहाँ डिस्कशन होगा उस पर देखिए अब क्या लिखना है, उसको मैं बताता हूँ। अब देखिए फिर जब मिडिल में जाएंगे तो थोड़ा सा बताएंगे कि कारण क्या था एनपीए जो है 2016-17 सब में क्यों बढ़ा। तो थोड़ा सा मिडिल में कुछ कारणों को दे देंगे, जैसे कि
इन मार्च 2018 एनपीए एट कमर्शियल बैंक्स अमाउंटेड 10.5 लाख करोड़ और 11.2% ऑफ एडवांस। पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देंगे, अकाउंटेड फॉर 86% ऑफ टोटल एनपीए इन 2018। यहाँ पर लिख दिया कि एनपीए जो है कमर्शियल बैंक का 2018 में 10.5 लाख करोड़ हो गया था, साथ ही साथ वो टोटल एडवांस का 11.2% था। साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर का जो एनपीए था उसमें 86% एनपीए, टोटल एनपीए का 86% पब्लिक सेक्टर का था। साथ ही साथ यहाँ पर लिखेंगे रीजन फॉर एनपीए, एनपीए का जो इंक्रीज हुआ उसका क्या कारण था। तो एट द सेम टाइम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-08 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसका इफेक्ट धीरे धीरे पड़ा और स्लो डाउन इन द ग्रोथ आफ्टर 2011-12। और 2011-12 के बाद क्या हुआ, स्लो डाउन हुआ और इस दरमियान जो है बैंकों ने जबरदस्त लोन किया और पीएसबी ने जो है जो बहुत ज्यादा लोन की थी, एक्सपोजर टू द अफेक्टेड सेक्टर एट दैट टाइम, जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड थे उस समय उद्योग आदि, उसमें पीएसबी ने सबसे ज्यादा लोन किया था, तो इस कारण से जो है एनपीए बढ़ा। तो इस तरह से मिडिल में इन चीजों को आप समाहित कर सकते हैं। अब इसमें और थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन देखिए आपको जो है 15 मिनट में लिखना है तो बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, 150-200 वर्ड में, 150 से 200 वर्ड तक लिख दिए तो काफी है, तो 150-200, 250, 300 कम से कम 200+ वर्ड में ही लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए ये इतना दूर तक लिख दिए, ये सारा चीज मेंशन कर दिए कि एनपीए क्यों बढ़ा। अब यहाँ पर ये लिखने के बाद थोड़ा सा अब सीधे कंक्लूजन में चले जाएंगे, नहीं तो इसी में आप आगे मेंशन कर सकते हैं कि एनपीए जो है घटाने के लिए सरकार ने, आरबीआई ने, साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या क्या किया उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और फिर लास्ट में देखिए अब कंक्लूजन में हमें क्या लिखना है। अब देखिए कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में लिख सकते हैं द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नेगेटिवली अफेक्ट द फंक्शनलिटी ऑफ द बैंक्स। थोड़ा बताएंगे कि एनपीए जो है बैंक के फंक्शन को इफेक्ट करता है, इट ग्रेटली रिड्यूसेस द प्रोफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक, बैंक की प्रोफिटेबिलिटी घटती है क्योंकि प्रोविजनिंग करती है बैंक, साथ ही साथ इसके जो एसेट्स हैं लोन ही एसेट्स हैं उससे जो इनकम आना बंद होता है तो बैंकों की और सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ होती है। एंड ऑल्सो कॉजेज द कोलैप्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, इसके कारण कोलैप्स ही होता है, हो सकता है बैंकिंग सेक्टर का अगर बहुत ज्यादा ह्यूज एनपीए बढ़ जाएगा तो क्या करना चाहिए, थोड़ा ये भी लिख देंगे। देयर आर सेवरल मेजर्स सच एज प्रॉपर गवर्नेंस, स्ट्रिक्ट लॉज बाय द गवर्नमेंट टू इरिडिकेट एनपीए, गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉपर गवर्नेंस होना चाहिए बैंकों के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, साथ ही साथ एनपीए कम करने के लिए स्ट्रिक्ट लॉ बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, साथ ही साथ प्री एंड पोस्ट वेरिफिकेशन बिफोर एंड आफ्टर लोन सैंक्शनिंग, लोन सैंक्शन जब कर रहे हैं तो उस समय प्रॉपर ढंग से जो है सारे चीजों को देखा जाए, तो इन सारी चीजों को करने पर ही एनपीए को जो है, एनपीए की समस्या को इंडियन बैंकिंग सिस्टम से हटाया जा सकता है। तो ऐसे ही ये आपका कंक्लूजन पार्ट हो गया। तो इस तरह से आप ऐसे किसी तरह से डिजाइन करके लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको होगा तो आप इसको आसानी से लिख लेंगे। एक मैंने आपको उदाहरण बताया, ऐसे ही 2-4-10 ऐसे आप तैयार करके जाएंगे कम से कम, और ये आपको आपके जो है ऐसे और लेटर, ये जो डिस्क्रिप्टिव है ये आपको औरों से लीड दिलाएगा, इसमें आप अगर 35+ मार्क्स ले आते हैं तो समझिए आपने लीड ले लिया। तो आपको इस पर भी प्रैक्टिस करना है, सिर्फ मैथ, सिर्फ रीजनिंग इंग्लिश और बैंकिंग पर नहीं, साथ साथ इस पर भी फोकस करना है, तो इसको भी ध्यान देंगे। और नीचे कमेंट करके बता सकते हैं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।